ना माँ बाप का बहन भाइयों का नहीं है, ये इज्जत मफूद नहीं वापस होती। आपके जो मर्जी हो जाए, होना है पर्चा तो हो जाए। विजय मेरे लिए ये शान कर दे कि हम उनके पाँव पकड़ लें इस उम्र में। रियासी इलाके में जहाँ पे बच्चे बच्चियाँ और ये पीसफुल एरिया है, प्ले ग्राउंड है उसके पास, प्ले ग्राउंड है बिल्कुल इसके सामने प्ले ग्राउंड है। इस थाने को किसी कमर्शियल आबादी में शिफ्ट किया जाए, क्योंकि जो कवानी बनाए जाते हैं, जो किया जाता है, वो आवाम की भलाई के लिए होता है। हम लोग बहुत ज्यादा है अपनी इज्जतों की वजह से, अपने बच्चों की वजह से, अपने मुस्तकबिल की वजह से। ये मैं सरहंदी रोड समराबाद से आई हूँ। हमारी अपील है मौसम नकवी साहब से कि हमारे इलाके में थाना ना आए, थाना ना बनाए, ना बनाए एक ही बात हो, जो उन्होंने बोर्ड लगा लिया। अच्छा, और लेडीज का पार्क है, बच्चे छोटे छोटे हैं, लेडीज के पार्क के अंदर बना रहे हैं। नहीं, हमारा पार्क पास बना बनाया है, तैयार है, गाड़ियाँ खड़ी हो जाएंगी, हम कहाँ जाएंगे। मैं खुद शुगर की पेशेंट हूँ, मैं खुद वॉक करती हूँ वहाँ पे, सारी लेडीज मेरे पीछे जाती। अच्छा, तो अगर ये थाना होगा हम कहाँ जाएंगे। थाने वाले बहुत अच्छे लोग हैं, जो आप कह रहे हैं, एक मिसाल मेरी बात भी सुना करेंगे। थाना माँ बाप का बहन भाइयों का नहीं है, ये इज्जत मफूद नहीं वापस होती। आपके जो मर्जी हो जाए, होना है पर्चा तो हो जाए। मुझे मैं क्यों डरूं, बात यह है मैं थाने से नहीं डरी, मैं अपने इलाके के लिए बात कर रही हूँ। मैं अपने इलाके के लिए मर जाऊंगी, लड़ जाऊंगी, डर जाऊंगी नहीं। हमारी लेडीज इतनी बहादुर होती तो बाहर आती, वो नेक औरतें हैं, मासूम हैं, उन्हें नहीं पता मैं 57 साल दिया। मैं गल सच कर रही थी, मैं किसी की गल नहीं सुननी, मैं अपनी कहनी। जो तेरे मेहरबानी करे मौसम नकवी साहब आई जी पंजाब के, साडे को इन्ना पैसा नहीं है कि असी सड़कों से निकलीए, अपने बच्चिया बाहर लैके निकलीए, अपने बच्चिया लैके निकलीए, कि साढ़े लिए अपील है। अपील आखो ये बार बार कि थाना ना इधर आए, थाना पीछे बैकग्राउंड से ही रहे, जिसे उन्होंने कोई जगह है वे तो उत्थे ही रहे। बच्चे मासूम ने, आप सवाल मेरे से कर रहे हैं कि थाना क्यों नहीं आना जी, मासूम बच्चे हैं, उनका मुस्तकबिल है। जब वो भाई निकलेंगे तो बच्चे चोरों डाकुओं को देखेंगे। हम पुलिस वाले को तो कह नहीं रहे, हम पुलिस वालों को तो कुछ भी नहीं कह रहे। हमारे बच्चे निकलेंगे, वो पूछेंगे ये मुजरिम कौन जा रहे हैं। ये पुलिस वालों से तो आपको तहफ्फुज़ मिलेगा ना, जब आपके थाना है। क्या मिलेगा, वो तहफ्फुज़ देंगे जो मुजरिम का तहफ्फुज़ के बच्चा माँ से सवाल करेगा कि ये कौन जा रहे हैं, संगल पे ने हाथ कड़ियां लगी हैं, गड़ियां ब्लॉक हैं जी, साड़ी गड़ी कितों लंघे जी, साडे घर दा मुस्तकबिल तबाह हो जाता, किन्ने बंदे अंदर आ रहे, किन्ने जा रहे ने। असीं तहफ्फुज़ लैण वास्ते बैठे हैं कि अपने मुस्तकबिल देण लई बैठे हैं। बच्चों को कुछ भी नहीं मिला, जब थाना आ गया वहाँ पे गंदे लोग आ गए, थाना तो नहीं आया, गंदे लोग तो आ रहे हैं, अच्छे भी उसमें हैं, मौलवी भाई निकलेगा, शरीफ बंदा भी निकलता है, चोर को भी आता है, तो वो क्या गए चोर से मथे दे लिया के शरीफ। फैमिली के बारे में भी बताएं, जो ऊपर बच्चे बैठे हैं, उन्होंने चार बच्चियां मैंने कहा उनकी, वो नीचे नहीं उतर रही, पूरा 8 दिन हो गया वो नीचे, कैसे रोटी खाएगी। उसका मियाँ बार बार कह रहे हैं कि उसका नोटिस कोई नहीं हुआ, मैं खुद मिल कर आएंगे। वो बड़ी परेशान है और बेबस है कि वो लोग डर के खौफ के मारे लेडीज भाई नहीं, जिस घर में थाना बन रहा उसी घर में ऊपर फैमिली रह रही उसी घर में। तो ये बेटा उनसे अपील है कि हमारे लिए ये शान कर दे कि हम उनके पाँव पकड़ लें इस उम्र में। नकवी साहब के पाँव पकड़ लूँ मैं, कहते हैं तो मैं पकड़ लेती हूँ, ठीक हो गया, मगर मैं अपनी माओ बहनों बच्चियों को भाई नहीं निकलने दूंगी, मैं उनके लिए कुर्बान हो जाऊंगी। मेरा यही सवाल है, ना मंजूर डोड़े पट्टे बारह दिन। असल में ये रेजिडेंशियल एरिया है, रेजिडेंशियल एरिया के अंदर जो है ना रेजिडेंट्स रह रहे हैं, ना कि कोई कमर्शियल एक्टिविटी हो। और जो थाना है उससे कमर्शियल लोगों की जो आमदरफ्त है वो काफ़ी ज़्यादा रहेगी, और छोटे छोटे घर हैं वहाँ पे, उनके पास पहले ही पार्किंग के मसले हैं, और जब थाना बनेगा तो मजीद से रोड्स ब्लॉक रहेंगी, लोगों की जो है जिंदगी मुतासर होएगी।
शोर शराबे की वजह से जो है इर्द गिर्द लोग, शोर शराबा के थाने में तो पढ़ाई थोड़ी होती है, थाने में मार कुटाई तो जरूर होती है ना, पढ़ाई अगर नहीं होती तो मार कुटाई तो जरूर होती है, तो लोग फिर भी शोर हो गया उससे डिस्टर्ब हो गया। किस किस्म की मार कुटाई है ये, मतलब आवाज की शोर कैसे बताए ना जरा। इन्वेस्टिगेशन जब आप होती है तब उसके बाद रिमांड के बाद जो है ना जो बात आगे चलती है तो वो इसी सिलसिले से जो है ना वो लोगों को मनवाने पे किसी चीज पे वो मसले रहते हैं। अब मसला ये है कि मेरे घर की बिल्कुल बैक साइड लगती है ये दीवार, साथ दीवार के साथ दीवार है और वो सेन के अंदर एक इलीगल कंस्ट्रक्शन करके उन्होंने रूम बना लिया। आई डोंट नो ये प्रिजन है ये क्या चीज़ है, मगर उससे जो शोर है वो मेरे घर में सीधा आएगा और बेपर्दगी भी होएगी क्योंकि खाने जो घर होते हैं उनके अंदर खिड़कियाँ होती हैं और खिड़कियों से दूसरे घर में इजीली झांका जा सकता है। तो खैर अपने तौर पर तो हम जो करेंगे वो करेंगे कि अब मुझे अभी थाना बना है वो भी कमर्शियल एरिया है, लिटल रोड थाना बना है वो भी कमर्शियल एरिया है, अंजराल थाना बना है वो भी कमर्शियल एरिया है। जनाब ये तो जगह महफूज नहीं है ना थाने के लिए, ये तो हमारे बहन भाइयों का एक मुस्तकबिल है, खुशी कमी हम लोग यहाँ पे अटेंड करते हैं, तो यार आपकी मेहरबानी है तो हमारे पे हमारे हाल पे रहम किया जाए। हमारी एक ही अपील है वो जनाब मोहसिन नकवी साहब हैं जो हमारे वजीर आला पंजाब हैं, हम तो उनसे ही कहेंगे ना, हम तो उनसे अपील करेंगे और ये सब भाई इसी वजह से यहाँ पे कटे हैं, तो यार ये हमारे पे एक मेहरबानी कर दीजिए, बच्चों का मुस्तकबिल है, हमारे बुजुर्गों का मुस्तकबिल है, हमारा मुस्तकबिल है और आपकी मेहरबानी है। पुलिस की गाड़ियां लोगों के घरों के आगे खड़ी शुरू हो गई है, अभी कितनी हुआ पूरी तरह बसें खड़ी होंगी क्योंकि ये जगह खुली है कंपैरेटिवली पिछली गली में जहाँ पे थाना है, अब उनके लिए ये समझ लें कि ग्राउंड जो है ना ये उनके लिए एक मस्कन बन जाएगा, पुलिस वालों के लिए भी और जो मुजरिमों के पीछे आते हैं उनके लिए भी, जो एक वहाँ पे प्राइवेट लाइफ है या फ्रीडम है या खवातीन की बच्चों की एक है वो सारी खत्म हो गई, सभी जगह है वहाँ भी बनाए रिहायशी इलाके में किराए पे लेके और वहाँ पे पार्किंग भी नहीं है कि पार्किंग हो ना, पार्किंग भी नहीं है लोगों के आगे पार्किंग है जहाँ पे इन्होंने गाड़ियाँ पार्क करनी है पुलिस वालों की भी और जो लोग मुजरिमों के बीच जाएंगे उनकी भी, तो टोटल प्राइवेसी। इससे पहले इलाका थाना किधर था? इससे पहले हमारा पिछली गली में था, वो पिछले 40-42 साल से वहाँ पे है, तो ये कह रहे हैं पुलिस वालों का मौका भी है कि ये 4-5 महीने के लिए हम शिफ्ट हो रहे हैं, तो 4-5 महीने के लिए शिफ्ट हो रहे हैं तो वहीं पे रह लें। जब इनका अरे सैयद मोहसिन नकवी साहब जो सिर्फ नाम ही उनका मोहसिन नहीं है बल्कि वो मुल्क कौम के भी मोहसिन है, मैं उनसे अपने तमाम महल्लेदारान की जुबान बन के उनसे मैं मुल्तमिस हूँ, इल्तमास कर रहा हूँ कि इस थाने को किसी कमर्शियल आबादी में शिफ्ट किया जाए, क्योंकि जो कवानीन बनाए जाते हैं जो किया जाता है वो आवाम की भलाई के लिए होता है और उनकी फलाह बहबूद के लिए होता है और उनको परेशान करने के लिए नहीं होता। हम थाने के मुखालिफ नहीं हैं, पुलिस के मुखालिफ नहीं हैं, वो भी हमारे अपने लोग हैं, लेकिन ये है कि वो रिहायशी जो जगह होती है वहाँ थाना नहीं होता, लेकिन सामने जो पार्क है वहाँ खवातीन शाम को चहलकदमी करती हैं और बच्चे वहाँ क्रिकेट भी खेलते हैं और पुलिस वालों ने बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे उनको भी उन्होंने रोका और इससे देखें जो छोटा सा मासूम बच्चा होता है वो बड़ा डिसहार्ट होता है और वो बड़ा उसका कच्चा जहन होता है, उसके जहन पे क्या असर पड़ेगा। फिर वहीं पे स्कूल है जहाँ पे वालदैन अपने बच्चों को छोड़ने के लिए आते हैं, छोटे छोटे बच्चे जब कोई कमी एक बंदे को पकड़ के लाते हैं तो साथ उसके 50 बंदे होते हैं जो उसको छुड़ाने वाले उसमें भी क्रिमिनल होते हैं और ये है कि वहाँ पर हजूम होगा और लोगों को अपने घरों के दरवाज़ों पे फिर ये लगाना पड़ेगा लिखवा के कि यहाँ गाड़ी खड़ी करी मना है, तो बस ये दफ्तर उनसे इल्तमास है, वो सब कुछ कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है जो उनकी दफ्तरस में नहीं है, तो हमें उम्मीद है कि वो हमारी दादरसी फरमाएंगे और ये जो थाना है इसको किसी और जगह पे कमर्शियल जगह पे सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।